गुड मॉर्निंग गाइस। आज थोड़ा सा लेट हो गया उठने में मुझे, लेकिन उतना भी नहीं। अभी जा रहा हूँ मैं अंडे की क्रेट लेकर आनी है, और उसके बाद क्योंकि एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है तो बॉडी पेन भी स्टार्ट हो गया, इसीलिए थोड़ा आज लेट तक सोया हूँ। रेंडरिंग पे वीडियो लगा दी थी, अपलोड हो गई थी, टाइम से आ गए थे, तो उस बात का खुशी है मैंने। चलो चलते हैं, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं आज। तो बहुत दिनों के बाद ये वाली टी शर्ट डाली है, बहुत पहले ली थी यार, था फिट ही नहीं आती थी, अब तो एकदम टाइट हो गई। तो मैं जा रहा हूँ इस तरफ, आज उस तरफ नहीं जाऊँगा लेने के लिए, क्योंकि अंडे की क्रेट भी लेनी है मुझे, क्योंकि अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई ना तो बॉडी पेन स्टार्ट हो जाएगा। और वेजिटेरियन डाइट जब तक प्रिसाइजली कैलकुलेटेड ना हो ना, तब तक तुम्हें उतना प्रोटीन कंटेंट नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें लेनी पड़ेगी। मतलब मैं तो खा लेता हूँ यार, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरफ जा रहा हूँ, लेकर के आया था ये बाइकें, देख के याद आया मुझे भी अपनी सही करानी है। यहीं से क्रेट ले लिया मैंने, और एक ही लूंगा यार, ज़्यादा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो आके ले जाऊँगा, घर के पास ही है। एक ही सर्फ का पैकेट ले लिया है, कपड़े धुल लेना उस वजह से। यार तो ये सारे कपड़े धुलने हैं, सारे के सारे लेके उससे बाल्टी में डाल देता हूँ। एक टी-शर्ट, दो टी-शर्ट, तीन टी-शर्ट, चार टी-शर्ट, पांच टी-शर्ट, छह टी-शर्ट, सात टी-शर्ट, आठ टी-शर्ट आ गई है। तो जो ये वाली गली है ना जिससे मैं जा रहा हूँ, आपने कई बार देखा होगा मुझे यहाँ से जाते हुए, इस वाली गली में बहुत मस्त हवा चलती है। पता नहीं कैसा कुछ होगा ना कि पासेज बन जाता होगा हवा का, बहुत मस्त हवा लगती है। चलो अभी तो फिलहाल दूध लेकर आ जाता हूँ। तो यार एक दूध का पैकेट ले लिया और एक छाछ का पैकेट ले लिया, मैं छाछ ही पी लूँगा, गर्मी हो रही है ना, इसीलिए लिक्विड जाना ज़रूरी है भाई। आजकल तो जितना ज़्यादा पानी पी लो उतना ज़्यादा सही है तुम्हारे लिए, क्योंकि वाटर रिटेंशन होना ज़रूरी है बॉडी में। अरे यार कल रात का किस्सा तो मैंने तुम लोग को बताया ही नहीं, कल रात में बहुत बवाल हुआ, मतलब वैसा वाला नहीं हुआ लेकिन एक था स्विफ्ट वाला, तो स्विफ्ट लेकर आ रखा था वो यहीं पे गली में, तो मेरी बाइक खड़ी हुई थी बाहर, वो पूछने लग गया, हॉर्न करने लग गया बहुत तेज तेज गाड़ी में, हॉर्न बजाने लग गया, तो कार उसकी यहाँ पे खड़ी हुई थी, बाइक मेरी यहीं पे लगी हुई थी, ऐसे ऐसे कह रहा कि बाइक हटाओ, तो मैंने कहा निकल जाएगी भाई, निकल जाती, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी निकल जाती, तुम्हारी भी निकल जाएगी। तो कहने लग गया कि हटा रहो कि नहीं हटा रहो, मैंने कहा भैया चाहते क्या हो, निकाल ले जाओ आराम से, कोई क्या दिक्कत आ रही है आपको। तब मतलब यहाँ पे कार खड़ी हुई थी, उसने मुझे इशारा किया कि ऐसे करी गाड़ी के सामने आ हैंड ब्रेक लगा के निकलने लगा बाहर, तो मैंने कहा बाहर तो निकल रहा लेकिन सोच समझ के निकल रहा, इसके आगे जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तब फिर उसे लग गया कि हाँ मतलब सीरियस मैटर हो जाएगा, तो कुछ किया नहीं, फिर उसने फिर वो अंदर दरवाज़ा बंद करके बैठ गया दोबारा, बस फिर निकाल ली गया जगह बहुत ही फालतू में लड़ना चाह रहा था। बात थी ये कि उसने दारू पी रखी थी और उसी चक्कर में वो ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि कुछ मतलब बहसबाजी कर लेंगे। मेरा मानना तो भाई यही है कि इन सब फालतू चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, और जहाँ बातचीत से काम चल जाए वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। राइट फ्रॉम द पैकेट यार, सीधा सीधा, पहले बिल्कुल नहीं मुझे पसंद आती थी लेकिन अब तो सब चलता है। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, गर्मी है लेकिन छाया भी है, उधर से बादल लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि होगी बारिश। ये देखो दिख रहे हैं, जिससे हम पहले बोलते थे हेलीकॉप्टर, तो बचपन में पता क्या करते थे, यही जो दिखाया ना मैंने अभी, इन हेलीकॉप्टर को पकड़ लेते थे, इनकी पूंछ के पीछे जो सुई धागे वाली धागा नहीं होता वो वाला बांध देते थे, फिर उड़ा देते थे, फिर पतंग की तरह उड़ता था और ऐसे पीछे से पकड़ लेते थे। क्या यार वो भी क्या दिन ही थे। देखो हवा चल रही हो, पीछे उड़ रहा टॉवर, झंडा, बॉयज हॉस्टल का झंडा। तो यार ये सब तो हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, अंडे बनाऊँगा खाऊँगा, क्योंकि हल्का बॉडी पेन हो गया मेरे, मसल्स पेन ना, प्रोटीन इनटेक लिया नहीं कुछ ऐसा, तो उसकी वजह से यूरे रात में ले लेना चाहिए था, गलती मेरी थी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक आधे तो चलता है, शाम को जाएंगे एक्सरसाइज से दोबारा, फिर अभी तो फिलहाल नीचे जाता हूँ, ऊपर गर्मी लग रही है थोड़ी थोड़ी। तो अभी तो फिलहाल बज रहे हैं शाम के 4, और आज बारिश हुई थी बहुत तगड़ी यार, मैं तो बारिश में नहाया भी, और पीछे कपड़े देखे तो सब सतरंगी है, यहाँ से यहाँ तक कि टोटल मैंने धुल के डाले, तो बारिश में ही डाल दिया, तो क्या ही ऑप्शन था यार, ये पड़े रहते तो ख़राब हो जाते ऐसे। अभी भी हल्की हल्की रुमझुम टाइप हो रही है बारिश, देखेंगे अगर तेज नहीं हुई तब जाएंगे एक्सरसाइज पे, वरना नहीं जाएंगे, तबीयत ख़राब होने का डर है, कल बहुत बड़ा दिन है, एक और पूरे रेनबो जैसे हो रखे हैं सब गीले गरीले हैं यार, मुझे ज़्यादा नहीं हो पाए। देखो कल धूप निकल जाए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी भाई, मोस्टली कपड़े मेरे ऐसे ही सूख रहे हैं। मैं बात नहीं बता रहा था नीचे कार वाली, जो भी किस्सा हुआ था रात में, उसमें एक चीज़ बताना भूल गया था, कार जो लेफ्ट साइड से थी ना
पूरी ठुकी हुई थी, मतलब डोर उसका निकला हुआ था बाहर, आगे बम्पर भी टूटा हुआ था। उसे देख के मैं समझ गया था भाई ये भंडो रखा है और ऐसे ही मामला कर रहा है। लखीमपुर में कबूतर ज़्यादा होते थे, यहाँ कौवे ज़्यादा हैं। वो गया एक और कबूतर का नाम लिया, कबूतर हाजिर हो गया। आज बारिश में नहा रहा था, मेरी नज़र इस पर पड़ी, भाई इसका बहुत सही सिस्टम है। और सिस्टम पता ही क्या है, बारिश में ही अपने आप ही साफ़ हो जाती है यार, जितनी धूल इसमें लगी होती है सबकी सब साफ़ हो जाती है। कितना सही सिस्टम है, यहाँ भी लगी हुई है एक, इधर भी किसी ने लगवा ली अपने घर पे, तो बहुत अच्छा रिसोर्स है यार। तुम्हारी छत ही तो ऑक्यूपाई कर रहा है, इनकेस अगर तुम यूज़ नहीं करते हो, जो कि कई लोग नहीं करते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए बेस्ट है यार ये लगवा लेना सोलर पैनल, एक बार लगवाओ। और सब्सिडी भी देती है गवर्नमेंट इस पर यार, तो मैंने तो सुना था शायद 7-8 लाख रुपये में, 1.5-2 लाख रुपये सब्सिडी मिलती है उस पर। बढ़िया ऑप्शन अगर तुम्हारे यहाँ तुम लगवाना चाहते हो, पता लगवा सकते हो आप भी। अभी लगभग 1.5 घंटा होगा, 1.5-2 घंटा एक्सरसाइज पे जाने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा डाइट ले लेता हूँ। तो उससे ये है कि अभी जो मसल फटीग हो रखी है थोड़ी बहुत वो रिस्टोर हो जाएगी, तो बाकी थोड़ी एनर्जी भी आ जाएगी। थोड़े से चावल बचा दिए थे मैंने कार्ब्स इनटेक के लिए, उससे ये होगा कि कार्ब्स थोड़ी सी लोड रहेंगी तो एक्सरसाइज में आसानी हो जाती है। बस ऐसे ही मैं नमक डाल देता हूँ ऑमलेट में सीधा, और उसके ऊपर थोड़ी सी मिर्ची, और बस बन गया मेरे टाइम। तो ऑमलेट तो तैयार हो गया, मुझे ऐसा हल्का सा जल टाइप का जाता है ना, ये मस्त लगता है, इसके साथ थोड़ा सा राइस है और बस। बारिश की वजह से ना पूरा पानी पानी हो रखा है, लेकिन बारिश होने का और पानी भरने का कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं बारिश में भी एक्सरसाइज करने के लिए गया हूँ। आज तो यार दिन पूरा ऐसा ही निकला ना मेरा कि लेटा हूँ लेकिन सोया नहीं हूँ। तो अभी पार्क में पहुँच चुका हूँ और एक्सरसाइज करने वाला हूँ। चलो यही वाला मुझे बार है। यहाँ इस पार्क की स्पेशलिटी पता ही है, कोई नहीं आता, और जब कोई नहीं आता ना एक्सरसाइज का पूरा टाइम तुम्हें मिल जाता है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई बोलने वाला, ना कोई टोकने वाला, आराम से करो एक्सरसाइज और फिर घर निकल जाओ। बहुत सही लगता है, एक्सरसाइज भी जल्दी कंप्लीट हो जाती है और एक रूटीन भी बंधा रहता है यार, जिसकी वजह से कभी लेट नहीं होता। तो बस अब एक्सरसाइज कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ फिर आप। देखो यही होता है, तुम्हारे बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे और ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कोई ब्लेड लग जाएगा उनके। तो ये सब चीज़ें मत फेंका करो यार पार्क में, कोशिश किया करो एटलीस्ट, और दिखे तो एटलीस्ट इन सब चीज़ों को कहीं ऐसी जगह रख दिया करो जहाँ किसी का एटलीस्ट पैर वगैरह ना लगे। देखो ऐसे सब नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये देखो ये छोटे बच्चों के स्विंग के जस्ट नीचे पड़ा हुआ है, किसी के लग जाएगी बहुत आराम से। ध्यान दिया करो यार सब चीज़ों का। आज की एक्सरसाइज भी बहुत दमदार हुई है, इसके बाद मुझे जाना है, वो पजामा कल जो मैं ले लिया था वो रिटर्न पे भी करना है, तो मैं थोड़ा जल्दी निकल जाऊँगा। बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ऐसा कुछ नहीं कि मैं एक्सरसाइज छोड़ के जा रहा हूँ, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो रखा हूँ थोड़ा। आज का ब्लॉग एकदम ही सटल टाइप का है, पता नहीं आप लोग को अच्छा लगेगा कि नहीं। कद्दू कैसा दिए हुए, तो पहले प्लान हो रहा था कद्दू लेने का, तो कद्दू के लिए रोका था मैंने, लेकिन फिर डिग्गी लॉक ही। यार कपड़े वपड़े तो सूखे नहीं, तो मैं जा रहा हूँ सीधा नहाने के लिए नीचे, क्योंकि ये पूरा गीला है ना, उससे रैशेज हो जाते हैं, तो वो मैं नहीं चाहता कि कुछ रैशेज हो मुझे, तो सीधे नहाने के लिए चले जाता हूँ। फिर जाना है जांच भी करवाने के लिए, भैया की लीवर की लास्ट जांच रह गई है, वो वाली करवानी है। तो आज रिपोर्ट भेज देंगे डॉक्टर को, तो फाइनल वो भी बता देंगे कि दवाई कंटिन्यू करनी है कि नहीं। चलो सकते हैं, तो हम निकल रहे हैं बस ब्लड टेस्ट कराने के लिए। तो इनके जो ब्लड लेने वाले थे वो तो अवेलेबल नहीं थे, इसकी वजह से उन्होंने कहा कि सुबह आ जाना, एक दूसरे डायग्नोस्टिक पे जा रहे हैं फिलहाल, वहीं से जांच करवा लेंगे। तो जो ये पीछे सेंटर है ना, इसी से करवा लिया मैंने, और सुबह ही मिलेगी यार रिपोर्ट, इस समय तो मिलना पॉसिबल नहीं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। बस अभी मैं जा रहा हूँ, जैसा कि कहा था ना मैंने, फास्ट फूड एकदम बंद ही कर दिया बाहर का, इस बार हेल्दी ही खाएंगे। तो यार अभी जा रहा हूँ मार्केट के साइड दोबारा, क्योंकि अनूप जो रूम पार्टनर नहीं है, मतलब पड़ोस वाले रूम में जो रहता है, उससे मैंने सिम इजेक्टर लिया था, उसका खो गया था यार, तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे लिया हो तो दूसरा ला करके उसको भी दे दूंगा, एक अपने पास भी एक्स्ट्रा रख लूंगा, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत पड़ती रहती है आजकल।
जब मैं आई गया हूँ यार इस साइड में, सिम इजेक्टर तो मिल गया, बहुत महंगा दिया, 20 रुपए के दो, माना ही नहीं यार, बुड्ढा बैठा हुआ था। अभी मार्केट जा रहा हूँ, चलो फिलहाल। बहुत देर से चल रहा हूँ ना, इसीलिए पसीना पसीना हो गया, तो पायदान भी नहीं था और बारिश का समय तो पता है कितना गंदा हो जाता है कमरा, तो उसी ले लिया ना। तो बस अब घर पे तो पहुँचने वाला हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट।